पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज, वज़ीर आज़म ने सख्त फैसलों का इशारा दे दिया। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी और फितना है। सियासत में तखरीबकारी की गुंजाइश नहीं, गोलियों और कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है। ये जत्था बंदी है, इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद में फसाद के अहसन तरीके से खात्मा किया गया। फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सलार ने लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर ताबून फराहम किया। मिलकर फैसला करना होगा, पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए, हालात का बगौर जायजा लेना चाहिए। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई से कारकुनों की अमवात के सबूत मांग लिए। पीटीआई का एक बंदा भी मरा है तो सबूत दें। इस्लामाबाद से भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में वावेला मच जाता। हमारे किसी एक पुलिस वाले के पास भी पिस्तौल नहीं था। आप लोग इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अगर ये दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ीर दाखिला का चैलेंज, बगैर NOC कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन अख्वी की मीडिया से गुफ्तगू। हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। पुरअमन धरने पर गोलियां क्यों चलाई गईं? पीटीआई कानून के हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है, जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देते रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहतजाजी मुजाहरीन में गैर मुल्की शहरी मौजूद थे। जो पकड़े गए, कानून और रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG पुलिस अली नासिर रिजवी ने कहा, एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। मुजाहरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए, 27 सिक्योरिटी अहलकारों को गोलियां लगी। गुज़िश्ता रोज 610 मुजाहरीन को गिरफ्तार किया गया। 3 रोज में गिरफ्तार अफराद की तादाद 954 है। 210 गाड़ियां और 39 मुख्तलिफ अकसाम का असलाह पकड़ा गया। मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत, हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़ाना है, तो नतीजा NRK के सवा कुछ नहीं। संजीदगी का मुजाहिरा ना किया गया तो मुल्क के हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। बानी PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समाअत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई तआवुन और इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की आलमी और इलाकाई अमूर में पाकिस्तान के लिए बेलारूस के तआवुन की तारीफ। जनरल आसिफ मुनीर का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत और वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूसी सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने में अफवाज पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों की भी तारीफ। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए। अब क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ICC के साथ मुसलसल रबते में है, पैसे लेकर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन PCB मोहसिन अख्वी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कौम को मायूस नहीं करेंगे। वादा है कि जो होगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। उम्मीद है कदाफी स्टेडियम का तामीराती काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। तमाशाइयों की तादाद भी 34 से बढ़कर 40,000 हो जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बेहतरीन टीम लेकर मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन अख्वी की कजाफ स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। और
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वन डे आज खेला जाएगा। फास्ट बॉलर अहमद अनियाल और शाहनवाज हानी इंजरी का शिकार, जिम्बाब्वे के खिलाफ वन डे सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादात खान कौमी स्क्वाड में शामिल, तीन मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाक बहरिया और कोरियन बहरिया के बहिर अरब में मुश्तरक मशकों का इनेकाद। पाक बहरिया के जंगी जहाज जुल्फकार और कोरियन नेवी के जंगी जहाज विंग जियोंग की शिरकत। मश के दौरान मुख्तलिफ बहरिया ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया। मशकों का मकसद समंदर में मंशियात की स्मगलिंग और बहरी कजाकी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। बहरी मशकें इलाकई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म का मजहर है। ISPR इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा। लिबनानी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। हम एक तकलीफ दह बाब बंद कर रहे हैं, एक नया रोशन बाब खोलेंगे, लिबनानी वज़ीर आज़म। जंगबंदी मुआहिदे के बाद हज़ारों बेघर लिबनानी शहरी खंडर बने मकानात की जानिब लौटने लगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में तसादुम को होने की उम्मीद जाहिर कर दी है। अक़वामे मुत्तहिदा के अमन दस्ते जंगबंदी के मॉनिटरिंग के लिए तैयार हैं। एंटोनियो गुतेरेस इसराइल के जनूबी लबनान में मुतअद्दद मुकामात पर ताज़ा हमले, मजीद 55 शहरी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 3823 तक जा पहुंची। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। शमाली गजा में इसराइली मुहासरे का 55वां रोज, 10 साल से कम उम्र 1,30,000 बच्चे शमाली गजा में फंस गए। कमाल उद्वान में सहूनी हमले के दौरान 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज का अक़वामे मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लिए फलस्तीनियों पर हमला, 13 पनाहगज़ीन शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। गजा में सहूनी फौज के हमलों में मजीद 33 अफराद जान से गए। शहदा की मजमू तादाद 44,249 तक पहुँच गई, 1,04,746 अफराद जख्मी हो चुके। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा, हमारा मुसलसल ICC से रब्ता है। ये नहीं हो सकता पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान लाए। अब क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ICC के साथ मुसलसल रबते में हैं, पैसे लेकर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कौम को मायूस नहीं करेंगे, वादा है जो होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। उम्मीद है कदाफी स्टेडियम का तामीराती काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाए, तमाशाइयों की तादाद में 34 से बढ़कर 40,000 हो जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बेहतरीन टीम लेकर मैदान में उतरेंगे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कदाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू।